अच्छा पढ़ाई, हॉस्पिटल, ये दवाई, गैस सिलेंडर, बिजली, नल, टैक्स, चाहे कुछ भी हो। कांग्रेस 5 साल वापस आई पर उसने फिर भी बहुत घपले हुए सब हुआ। वो कनेक्शन नजर नहीं आता किसी से भी। बहुत से काम किए हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया है और हमारे छत्तीसगढ़ में महाकाली वंदन योजना की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव आ रहा है तो क्या मुद्दा को लेकर इस बार आप लोग वोट? शिक्षा, पढ़ाई, हॉस्पिटल, ये दवाई, जो हमारी जनरल चीजों पे, गैस सिलेंडर, बिजली, नल, टैक्स, सब चीज कम से कम हमारे को, जनता को तो फायदा हो छत्तीसगढ़ के, बाकी सब चीज बेटर है। जितना बेहतर आगे बढ़ते जाए जनसंख्या, दुनिया बेस्ट सुविधा मिलना चाहिए लोगों को। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है तो इस बार आप लोग क्या मुद्दे को लेकर वोट देंगे? मेन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो आपका सरकार जो अभी है, मुझे लगता है कि वो बेटर जो एम्प्लॉयमेंट ला सकती है युवाओं के लिए, उसके लिए हम ज्यादा फोकस करें। आप क्या मुद्दा को लेकर वोट दोगे? मैं भी ओवरऑल सरकार की नीतियों को लेकर ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो। कांग्रेस 5 साल वापस आई पर उसने फिर भी बहुत घपले हुए सब हुआ। वो कनेक्शन नजर नहीं आता किसी से भी, जितना बीजेपी के थ्रू होता है। और बीजेपी सेंट्रल से भी जो उन्होंने अभी तक कहा था, 370 हटाया, अयोध्या राम मंदिर आया, सब चीजें उन्होंने जो इतने साल से वो बोलते आ रहे वो उन्होंने किया। तो मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ भी और उस फील्ड में आगे जाए, बाकी तो सब मुद्दे हैं ही उसके साथ। मैं मोदी जी को वोट दूंगा, मतलब बीजेपी पार्टी को वोट दूंगा, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत से काम किए हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया है और हमारे छत्तीसगढ़ में महाकाली वंदन योजना की शुरुआत की है, जिससे प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीना 1,000 रुपये मिलेगा, जिससे साल में 12,000 रुपये उन्हें मिलेगा। जी बताइए, लोकसभा में इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत ही हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो एक मुद्दा आप ले सकते हैं, है ना। हमारा जो डिफेंस है वो स्ट्रांग हुआ है, उस मुद्दे को आप ले सकते हैं। हमको रोजगार मिल रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा है, और इस तरीके का जो है मतलब लगातार डेवलपमेंट जारी है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, छात्रों का मुद्दा है कि जैसे अभी छत्तीसगढ़ से मैं तो CGPSC के लिए CBI जांच हो रही है, तो उस विषय पे मैं वोट करूंगा। और अच्छा पढ़ाई, हॉस्पिटल, ये दवाई, गैस सिलेंडर, बिजली, नल, टैक्स, चाहे कुछ भी हो। कांग्रेस 5 साल वापस आई पर उसने फिर भी बहुत घपले हुए सब हुआ। वो कनेक्शन नजर नहीं आता किसी से भी। बहुत से काम किए हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया है और हमारे छत्तीसगढ़ में महाकाली वंदन योजना की शुरुआत की है।